वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों को एक ऐसी सरकारी नौकरी अथवा सरकारी सेवा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न केवल आपका परिवार बल्कि आपका पूरा देश आप पर गर्व करेगा। तो दोस्तों, बिना समय को बिताए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक को। आज जो यह परीक्षा होती है, आज जिस परीक्षा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह परीक्षा आप में से बहुत किसी को जानकारी भी नहीं होगी। तो बिना किसी स्किप के आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखें और जानें कि वास्तव में कौन ऐसी नौकरी है, जो कौन ऐसी सेवा है जिस पर केवल आपका परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के देशवासियों को भी आप पर गर्व होगा। दोस्तों, मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत देश की शान है। देश के उन वीर जवानों को मेरा सलाम है। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एनडीए का एग्जाम अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय रक्षा एकेडमी में आप कैसे, किस प्रकार से आप सैनिक भर्ती में अधिकारी पद पर कैसे आप आए, किस प्रकार की अधिकारिक पद आपको मिलेंगी और उनकी क्या क्या चरण है, किन किन चरणों से आपको पास करना पड़ेगा, तमाम जानकारियों को समेटे हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल बीके गूगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अंदर से मोटिवेट करती है, आपको सटीक लगती है, जानकारियां सटीक लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनडीए है क्या, उसके बाद जानेंगे कि इसकी भर्ती प्रक्रिया में किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, एज रिसेलेक्शन क्या है, आपकी उम्र की गणना कैसे होगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, तमाम प्रकार की संपूर्ण विश्लेषण के साथ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप किन्हीं के पेरेंट्स हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को आप अपने बच्चों को दिखाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। यह वीडियो आपको संपूर्ण विश्लेषण देगी एनडीए की भर्ती के बारे में। सबसे पहले आते हैं एनडीए। एनडीए का अर्थ होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका अर्थ होता है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। तो राष्ट्र की रक्षा, हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्र की रक्षा आर्मी करती है, इंडियन नेवी करती है, इंडियन एयरफोर्स करती है। तो इन्हीं प्रकार के राष्ट्र के रक्षा करने वालों को अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके अधिकारियों के लिए जो विज्ञापन निकाला जाता है, उनके अधिकारियों की बहाली के लिए जो विज्ञापन होता है, वह एनडीए के तहत आता है। अर्थात आप देश के सर्वोच्च सम्मान में आप अपना योगदान देने जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एनडीए में जो एग्जाम होता है, उसमें किन किन विभागों में, किन किन जगहों में आपकी आधिकारिक पोस्ट आपको मिलेगी, तो ध्यान दें दोस्तों। सबसे पहले इंडियन आर्मी अर्थात भारतीय सेना, के बाद आपको मिलेगी इंडियन नेवी अर्थात जल सेना एवं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एवं इंडियन एयरफोर्स के आधिकारिक पद पे अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो यह पूरा वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और समझें। यह एग्जाम जो है साल में दो बार ली जाती है, यह एग्जाम प्रत्येक साल दो बार ली जाती है,
एक जून में और एक दिसंबर के महीने में। ध्यान दे दोस्तों, यह जो एग्जाम है इसे साल में दो बार ली जाती है, एक जून में और एक दिसंबर में। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको मिनिमम एजुकेशन चाहिए इंटर पास, अर्थात इंटर पास में भी सब्जेक्ट आपको टेंथ के बाद इंटर में अगर पीसीएम अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो और न्यूनतम मार्क्स 60% हो तो आप यह आवेदन करने के लिए आपको इलिजिबल माना जाएगा। आप इलिजिबल हैं भारत के आधिकारिक पोस्ट पे आप नौकरी करने के लिए। ये हुई एक आसान भाषा में आपको निम्न जानकारियां। आगे आते हैं कि एनडीए क्या है। तो एनडीए जो है तीनों सेनाओं में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एवं इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं में आधिकारिक पद पर भर्ती करने का एंट्रेंस एग्जाम लेने का प्रावधान है। एंट्रेंस एग्जाम लेती है एनडीए। तो एनडीए जो एग्जाम लेती है इसे कंडक्ट करती है यूपीएससी, जिस प्रकार यूपीएससी आईएएस आईएफएस आईआरएस जैसी भर्ती लेती है उसी प्रकार यूपीएससी ही एनडीए एग्जाम को भी कंडक्ट करती है। ध्यान दे दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा ही एनडीए का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब आते हैं इलिजिबिलिटी में। तो इलिजिबिलिटी में आप 12th में फाइनल एग्जाम दे चुके हो अथवा आप 12th पास कर चुके हो तो आप इसे भरने के लिए बिल्कुल राइट है, आपको आप बिल्कुल भर सकते हो, आपको अधिकार हो जाता है। आगे आते हैं दोस्तों, तो 12th जो आप किए हैं तो 12th में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अनिवार्य है, लेकिन 2019 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडियन आर्मी में जो सेना अधिकारी की भर्ती होगी उसमें किसी भी प्रकार का फिजिक्स और मैथ से 12th पास करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात इंडियन आर्मी में सेना में भर्ती होने के लिए आपको फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य, जो दूसरे की भांति है उसमें नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए ही, इंडियन नेवी में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए ही। आपको मार्क्स जो है न्यूनतम मार्क्स 60% होना अनिवार्य है। अगर आप 12th में 60% मार्क्स प्राप्त करते हैं तब आप भारतीय सेनाओं के आधिकारिक पद पर आवेदन करने के काबिल होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इस प्रकार एनडीए के एग्जाम में शामिल होना चाहता है उनका अनमेरिड होना अनिवार्य है, अर्थात वह विवाहित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एज लिमिट जो है वह ओनली 16.5 साल से 19 वर्ष तक के आवेदन करता ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए में आधिकारिक पद पर भर्ती होने के लिए आपका न्यूनतम उम्र 16.5 साल एवं अधिकतम उम्र 19 साल होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न दो भाग में होंगे, पहला होगा रिटेन और दूसरा होगा एसएसबी। एसएसबी का अर्थ होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम होता है दोस्तों, यह आपकी मेंटलिटी का टेस्ट होता है। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से आपको जांचा जाता है और इसी मानसिक रूप से जो आपकी जांच होती है यह बहुत ही टफ होती है। इस प्रकार की मानसिकता आपकी कैसी है, आप योग्य है या नहीं, तो इसके लिए आपकी मानसिक टेस्ट होती है जिसे एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है, अर्थात सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको यह इंटरव्यू लेती है। पहला रिटर्न होता है, दूसरा एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को आसान भाषा में एसएसबी
क्या है, कैसे है, पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक आवश्यक सूचना यह है कि बीके गूगल तथा बीके गूगल की टीम वीडियोज बहुत ही रिसर्च करके बहुत आसान भाषा में आप सबों के बीच लाने का प्रयास करती है, तो आप इस प्रयास को विफल ना जाने दें। आप उन तमाम मित्रों के साथ, उन तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, और हाँ देश के तमाम सेनाओं के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि सिलेबस इसका क्या होता है, इसमें कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके दिमाग में आएंगे। तो सिलेबस जो होता है दोस्तों, रिटर्न एग्जाम दो पेपर का होता है, जिसमें पहला पेपर जो होता है पेपर वन एवं दूसरा होता है पेपर टू। प्रत्येक पेपर में आपको ढाई ढाई घंटा दिया जाएगा, अर्थात 150 मिनट दिए जाएंगे। तो पेपर वन जो होता है दोस्तों, उसमें मैथमेटिक्स रहते हैं 120 प्रश्न का, और पेपर टू जो होता है दोस्तों, उसमें जनरल अवेयरनेस रहता है 150 प्रश्नों का। ध्यान दें दोस्तों, मैथमेटिक्स 120 प्रश्नों का और जनरल अवेयरनेस 150 प्रश्नों का। टोटल अढ़ाई घंटा प्रत्येक पेपर पे आपको दिए जाएंगे। 270 प्रश्नों का यह एग्जाम होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इसमें माइनस मार्किंग अप्लाई है। आपको अगर एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो इस बात को आप गहनतापूर्वक लें और इस बात को आप समझें कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है, केयरफुली होकर एग्जाम दें। नेक्स्ट, एग्जाम के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपको मेंटलिटी का इंटरव्यू होगा। के बाद दोस्तों आते हैं फिजिकल में, तो फिजिकल में हाइट जो है मिनिमम 157 सेंटीमीटर से लेके 162 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट चलेंगी, और फिजिकल में स्टेट वाइज आपको विशेष प्रकार का छूट दिया जाएगा, जो आपको नोटिफिकेशन में यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी होगी, उस नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि एनडीए के एग्जाम में किस स्टेट में किस प्रकार की फिजिकल छूट दी गई है। हाइट के अकॉर्डिंग वेट होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि तीनों सेनाओं में अलग अलग फिजिकल प्रक्रिया होती है, विशेष करके प्रत्येक सेना में अलग अलग फिजिकल प्रक्रिया होती है। इस बात को आप समझें ध्यान पूर्वक और गहनता से इसे समझें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सैलरी में, तो जो सैलरी है, सैलरी से पहले आते हैं दोस्तों उस पद में, उस उम्दा पोस्ट में जो आपको मिलेंगी। तो पोस्ट वह जो आपका रहेगा, रहेगा कर्नल का, मेजर का, कैप्टन का, लेफ्टिनेंट का, नायक, लांस नायक, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के आधिकारिक पदों पर आपको नियुक्ति दी जाएगी, आधिकारिक पदों पर आपको बहाली दी जाएगी, और आपको इस देश की सेवा एक अधिकारिक के रूप में स्टिक डिसीजन लेने में, देश के हित में एवं देश के लिए स्टिक डिसीजन लेने में आपको एक आधिकारिक पद दिया जाएगा। तो पद को ध्यान से फिर से सुने, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, नायक, लांस नायक, इस प्रकार के पद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सैलरी की बात आते हैं दोस्तों, तो स्टार्टिंग सैलरी 56,100 से लेकर 144,200 रुपया तक आपको प्रति माह सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एनडीए की संपूर्ण विश्लेषण बीके गूगल तथा बीके गूगल की टीम के द्वारा की गई। अगर आपको यह वीडियो वाकई इन्फॉर्मफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो इसमें विश्लेषण में यही आती है कि आप मैट्रिक करने के बाद जिसका उम्र 16.5 से 19 साल के बीच में हो, मैट्रिक अर्थात 10th पास करने के बाद इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सब्जेक्ट के साथ 60% उत्तीर्ण हो, सुदृढ़ शरीर हो, वैसे मेंटलिटी फिट हो, वैसे कैंडिडेट आप आराम से एनडीए में आवेदन कर सकते हैं। साल में 2 बार एनडीए एग्जाम कंडक्ट करती है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, जो तो साल में 2 बार कंडक्ट करती है, पहला जून, दूसरा दिसंबर।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।